रही है, आपको टोक रहे हैं जरा। अपने दर्शकों को बता दें, आज रात बाबा सिद्दीकी का अंतिम संस्कार किया जाएगा और सुपुर्दे खाक उन्हें आज किया जाएगा, आज पोस्टमार्टम खत्म होने के बाद, क्योंकि तमाम जो फोरेंसिक सबूत होते हैं उनको भी इकट्ठा किया जाता है। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। बाबा सिद्दीकी के पूरे राजनीतिक सफर को, उनके जीवन को आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे, अभी 2004 से 2008 तक वो मंत्री भी रहे थे, लगातार 3 बार के विधायक रहे, तमाम जो लोकल इलेक्शन है उसमें भी महाड़ा के अध्यक्ष भी रहे थे बाबा सिद्दीकी, उनका एक कद था। लेकिन उन सुर्खियों में वो ज्यादा इसलिए भी रहते थे क्योंकि पूरी फिल्म इंडस्ट्री में, चाहे वो शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, संजय दत्त हो, शिल्पा शेट्टी, बहुत सारे ऐसे स्टार्स थे जिनके वो बेहद करीबी माने जाते थे, कई फंक्शंस में उनके साथ देखते थे। कई लोग बताते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में आपस में लोगों की जब लड़ाइयां होती थी तो सुलझाने का काम बाबा सिद्दीकी करते थे, और बहुत करीबी रिश्ते इनके तमाम फिल्म स्टार्स के साथ। और ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं ऐसे ही एक फंक्शन की, जहां पर बाबा सिद्दीकी खुद मौजूद रहते थे और तमाम फिल्म स्टार्स उनके साथ तस्वीरें खिंचाते थे, और बाबा सिद्दीकी कई बार इन स्टार्स के बीच में भी बातचीत कराते थे। तो बहुत उनका जो एक प्रोफाइल था, न सिर्फ एक नेता के तौर पर बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में भी जिस तरह से उनकी पहचान थी, आप कभी उनको शाहरुख खान के साथ देखेंगे, कभी सलमान खान के साथ देखेंगे, तमाम ऐसे बड़े स्टार्स के साथ उनकी बहुत करीबी रिश्ते थे। अनिकेत जी, एक छोटा सा जल्दी से रिएक्शन मैं आपसे लेना चाहती हूँ। बाबा सिद्दीकी का खुद का भी हम कद देखें तो न सिर्फ एक नेता के तौर पर बल्कि मतलब तमाम फिल्म स्टार्स, और आप सोचिए कि उनकी खबर आने के बाद एकनाथ शिंदे जी ने, हालांकि वो भी गए मिलने के लिए, देवेंद्र फडणवीस भी देखने गए, लेकिन सबने यही कहा है कि मतलब उनको लेकर सब हैरान है इस वक्त, और मुझे लगता है कि मुंबई में गजब की सनसनी होगी इस वक्त। ऐसे व्यक्ति थे जो सिर्फ बॉलीवुड के नजदीक नहीं थे तो आम लोगों के साथ भी उनका दिल का रिश्ता था। उनकी जो बांध जल्द से जल्द काम करे, क्या गृह मंत्रालय इसमें कुछ कमियां पाई जा रही है? बात है कि गृह मंत्रालय तो सब होम मिनिस्टर कुछ बोलता नहीं है कि भाई इसको मारो उसको मारो, पॉलिसी डिसीजन लिया जाता है। बाकी तो सब काम जो है पुलिस का, पुलिस कमिश्नर, डीसी, जो भी कुछ है उनका है। उतना है कि उनके पीछे जो है हिम्मत के साथ उनको गवर्नमेंट में खड़ा होना चाहिए और कहना चाहिए कि बस इसको ख़त्म करो, ये दादागिरी, गुंडागिरी, खंडन खोर जो भी है ये ख़त्म होनी चाहिए। एक हौसला उनका बढ़ाने की आवश्यकता है बस, और ये पुलिस जो है ठीक ठाक फिर काम करते हैं। इसके पीछे कुछ राजनीति हो सकती है? राजनीति तो बिल्कुल मुझे तो 1% भी राजनीति की शंका जो है मेरे मन में जो है वह नहीं है, क्योंकि वो कांग्रेस में थे तो कांग्रेस में से इधर आए, और कांग्रेस का ये कोई इतिहास नहीं है कि कोई कांग्रेस छोड़ के जाता है तो उसके हत्या कर, ऐसा कोई इतिहास कांग्रेस का तो नहीं है। गलत बात सलत बात करने में कोई मज़ा नहीं है, या तो इसमें जो है कोई खंडनी की बात हो या और कुछ पर्सनल बात हो, ये नहीं मैं बोल सकता हूँ, तो पुलिस का काम है ढूंढना। चलिए, छगन भुजबल मंत्री हैं इस वक्त एकनाथ शिंदे सरकार में, और वो ये कह रहे हैं कि इसमें राजनीति का कोई एंगल नहीं है, इस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। बहरहाल आपको बता दें कि मुंबई पुलिस फिलहाल मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच तेज हुई है, 5 लोकेशंस पर मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच चल रही है अलग अलग जगहों पर। देखिए, बांद्रा के ही इलाके से, बहुत पॉश इलाका मुंबई का माना जाता है, वहीं से 3 बार के विधायक मंत्री सब रह चुके हैं, कांग्रेस छोड़कर वो एनसीपी में शामिल हो गए थे बाबा सिद्दीकी। और जल्दी से आपको लिए चलते हैं, मुझे लगता है हमारे सहयोगी दो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिवेश, लेकिन उससे पहले अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद, महाराष्ट्र, हरियाणा, एमपी, यूपी, हर जगह पर, क्योंकि एक आरोपी हरियाणा का, एक आरोपी यूपी का, और जो रेकी हो रही थी और मुंबई में जिस तरह से ये पूरी साजिश रची गई है, बुनी गई है, जांच कैसे आगे बढ़ रही है, जल्दी से बता। देखिए, बिल्कुल, देखिए, इसमें जो एक अक्यूज जो अरेस्ट हुआ है गुरनैल सिंह, वो हरियाणा के कैथल का रहने वाला है, जो आज तक को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है, और उसके घर पर हरियाणा एसटीएफ की टीम जा रही है। एक आरोपी यूपी का है, यूपी पुलिस उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है, उसके घर कहां पर है कहां नहीं। देखिए, समझने वाली बात है कि ये जो शूटर्स हैं इनको बहुत विशेष जानकारी नहीं होगी, ये इनको सिर्फ एक टारगेट दिया गया होगा कि ये टारगेट है, उस टारगेट को आपको कंप्लीट करना है, जो एक मोडस ऑपरेंडी इन गैंगस्टर्स
ऑफिस की होती है, कोई हैंडलर होगा जो सिग्नल ऐप के जरिए बातचीत कर रहा होगा, और बिश्नोई गैंग अमूमन यही करता है। यंगस्टर है, नौजवान है, अगर आप देखें तीनों शूटर तो नौजवान है, और जो मुंबई पुलिस से भी जानकारी हमारे सहयोगी दिवेश ने दी है कि कोई क्रिमिनल हिस्ट्री इन दोनों शूटरों के अभी सामने नहीं आई है। तो ये भी एक मोडस ऑपरेंडी है कि ऐसे नौजवानों को रिक्रूट करो और उनसे टारगेट किलिंग कराओ जिनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं हो, ताकि एजेंसीज उनको ट्रैक नहीं कर पाए। और इस मामले में मेरा अपना मानना है कि कई और किरदार हो सकते हैं, सिर्फ ये तीन शूटर शामिल नहीं होंगे। मुंबई में अगर ये रुके होंगे तो उनको शेल्टर दिलवाने वाला कोई होगा, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स 9mm का पिस्टल इस्तेमाल हुआ है तो पिस्टल कहीं से आई होगी, सूत्र बता रहे हैं कोरियर के जरिए इनके पास तक पहुंची थी, और ये महीनों की प्लानिंग है। और लगातार मुंबई की बात करें तो बिश्नोई गैंग के शूटर्स वो मुंबई में डेरा डाले हुए रहते हैं, क्योंकि निशाने पर सलमान खान है, और ये बात मुंबई पुलिस को बहुत अच्छे से मालूम है कि निशाने पर सलमान खान है। हालांकि एजेंसी को यह भी मालूम है कि सलमान खान से जो करीब जा रहा है, जैसे बीते दिनों गिप्पी गेरवाल पर अटैक हुआ कनाडा में, एपी ढिल्लन पर अटैक हुआ, तो एजेंसी को यह भी मालूम है कि बिश्नोई गैंग उनका भी दुश्मन बन रहा है जो भाईजान का करीबी है। तो लेकिन यह अंदाजा नहीं होगा कि बाबा सिद्दीकी पर अटैक हो जाएगा। अब यह मुंबई पुलिस दावा कर रही है कि वो शूटर बिश्नोई गैंग के हैं।